अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चाइनीज़ भेल बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की लगेगी, बहुत ही आसानी से बन जाती है घर पे और बहुत ही टेस्टी है। आप रेस्टोरेंट में वगैरह चाइनीज़ भेल मांगेंगे तो आपको इसी तरीके की चाइनीज़ भेल मिलती है। तो वैसे दो तरह के चाइनीज़ भेल बनते हैं, जो एक सिर्फ मिक्स करके बनाया जाता है सेव और सेजवान चटनी को और पत्ता गोभी को, और ये दूसरे तरह के, इसे भी बहुत ही आसान है बनाना लेकिन बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने पतीला लिया है, इसके अंदर हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और पत्ता गोभी डालेंगे। आपको इसके अंदर जितनी सब्जियाँ डालनी है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। शिमला मिर्च डालेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब इसमें हम ये फ्राई की हुई जो चाइनीज़ भेल के लिए जो सेव होती है वो डालेंगे। आप चाहे तो घर पे भी नूडल्स को फ्राई कर सकते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस 1 चम्मच, 1 चम्मच विनेगर, रेड चिल्ली सॉस 1 चम्मच और सेजवान चटनी 2 चम्मच और टोमेटो केचप 2 चम्मच डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही ईजी है लेकिन खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये देखिए, हमारी चाइनीज़ भेल रेडी है। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपको, आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। वैसे आप चाहे तो जो ठेले पे वगैरह भी मिलती सेजवान चाइनीज़ भेल वो भी बना सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ आपको पत्ता गोभी डालनी होती है, सेजवान चटनी डालनी होती है और फ्राई नूडल्स डालना होता है और मिक्स कर लेना होता है। तो वैसे भी एक चाइनीज़ भेल बनती है, तो आप वैसे भी ट्राई करें और इस तरीके से भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।